हेलो गाइस, वन प्लस नॉर्ड, रियलमी 6i, सैमसंग M31s, पोको M2 प्रो, डोंट बाय दीज फोन्स। इस वीडियो में बताते हैं आपको। सो रियलमी ने अपना पूरा दम लगा के रियलमी 7 एंड 7 प्रो इंडिया में लॉन्च करने वाले, खूब सारा टीजर, खूब सारा कन्फर्म लीक्स डाल चुके हैं मार्केट में। बेसिकली लीक्स जो होते हैं वो ब्रांड के द्वारा ही ऐसे टप 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 टपकाया जाता है। और वन प्लस नॉर्ड जब आया था तो वन प्लस हर दिन एक छोटा छोटा लीक डाल रहा था। ऐसे हम लोग को जैसे बच्चों को फीड करते हैं ना, थोड़ा 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 थोड़ा, जितने भी टेक यूट्यूबर हैं, टेक ब्लॉगर हैं, सबको ऐसे फीड कर रहा था मुंह में लेके। तो मेरे को वो चीज़ बहुत घटिया लगी थी, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन रियलमी ऐसा नहीं करता। रियलमी एक बार पूरा स्पेसिफिकेशन ऐसे लेके, ले लो भाई मस्त और बना दो वीडियो। तो हमने बोला कोई बात नहीं भाई, बना देंगे वीडियो आपके लिए। तो Realme 7 एंड 7 Pro काफ़ी अच्छे फ़ोन लग रहे हैं लीक्स के ऊपर, और इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहली बात यह है कि Realme 6i, Realme 6, Realme 6 Pro, Poco X2, Poco M2 Pro और Realme XT, Realme X2, Samsung M31s और OnePlus Nord, ये सारे फ़ोन काफ़ी हद तक इनको कवर कर लेगा Realme का जो 7 सीरीज़ है। सबसे पहले बात करते हैं Realme 7 के बारे में। तो काफ़ी एक अच्छा फ़ोन और एक बैलेंस फ़ोन लग रहा है। MediaTek का G95 देखने को मिलेगा, और MediaTek का जो G सीरीज़ के प्रोसेसर हैं पूरे गेमिंग पे बेस्ड है, और इसके अंदर आपको यहाँ पे SDR का सपोर्ट मिलता है PUBG में। काफ़ी अच्छे प्रोसेसिंग और GPU के साथ आता है, और G95 भी एक वेल ऑप्टिमाइज प्रोसेसर मेरे को लग रहा है, और Realme 7 इसी के साथ आने वाला है। और इसकी जो प्राइसिंग रहेगी अराउंड 15 से 18 के बीच में रहने वाले। मेरे को ऑनेस्टली प्राइसिंग के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि काफ़ी किलर फ़ोन होने वाला है ये। जैसे अगर Realme 6i का एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये फ़ोन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है डिस्प्ले के मामले में। और Realme 7 के डिस्प्ले आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है देखने को। और ऑफकोर्स ये बात यह है कि Realme के हमेशा की तरह प्लास्टिक बॉडी होने वाली है, जो कि मेरे को कतई पसंद नहीं है भाई। सो अगर आप देखोगे तो ये आपको एक लीक्ड इमेज है Realme 7 का, और मुझे काफ़ी ज़्यादा सही सा डिज़ाइन इसका लगा है। मतलब इसका कैमरा जो अलाइनमेंट है वो नया है, और डिब्बे की भी फोटो आ चुकी है। यहाँ पे डिब्बे पे पीछे लिखा हुआ है क्वाड कैमरा सेटअप है, और सबसे अच्छी बात सोनी का सेंसर है इसके अंदर। यहाँ पे हमेशा ये काफ़ी कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, और सोनी का 64 मेगापिक्सल सेंसर का मतलब है कैमरा बहुत ही अच्छा होगा। अगर हम बात करते हो Realme 6i के कैमरा की, Realme 6i में आपको यहाँ पे सैमसंग का 48 मेगापिक्सल वाला सेंसर था, ये आपको अपग्रेडेड वर्जन 2 था सैमसंग वाला। लेकिन यहाँ पे सोनी का सेंसर का मतलब है बहुत ही लिट क्वालिटी, और 64 मेगापिक्सल अच्छी होगी। और बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर 30W का चार्जर मिल जाएगा, और 30W का चार्जर Realme का भाई मैंने यूज़ कर रखा है, और दिल से बता रहा हूँ भाई 55 मिनट में ऐसे चार्ज करता है ये 4000mAh की बैटरी। और बैटरी यहाँ पे आपको 5000mAh की मिलेगी, इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 1 घंटा 10 मिनट मैक्स, उससे ऊपर तो नहीं लेने वाला है, 70 से 75 मिनट मैक्स। ये क्वाड कैमरा है, इसमें आपको चिन्नी गिरी देखने को मिलेगी 100%। 2 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो कैमरा दे देते हैं रियलमी वाले, और मज़ा नहीं आता उसमें। ये सब चीज़ करेंगे मेरे को मालूम है, लेकिन प्राइस कंट्रोल करने के लिए होता है। यहाँ पे अनाउंस कर देते हो कि Realme 7, 7 Pro के आपको यहाँ पे सारे के सारे वीडियो इस चैनल में देखने को मिल जाएगी 100% में। खरीद लेंगे भाई, आपके लिए तो इतना कर ही सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। कोई भी सजेशन है, कोई भी अगर आपको वीडियो बनवानी है, तो भाई यहाँ बैठा हुआ है बनाने के लिए, मस्त तगड़ के बना देंगे वीडियो आपके लिए। और Realme ने अपना 7 सीरीज का कैमरा अलाइनमेंट दोनों ही का रिलीज कर दिया। जो आगे वाला है ये आपको Realme 7 Pro है, ये कैमरा अलाइनमेंट भी काफ़ी हद तक सिमिलर है दोनों ही फ़ोन का। मेन डिफरेंस रहेगा सेंसर का, बड़ा सेंसर रहेगा ऑफकोर्स Realme 7 Pro में। और Realme 7 Pro को बोल रहे हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा, मतलब कि जितने भी 64 मेगापिक्सल वाले कैमरा अवेलेबल है अभी मार्केट में, उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और इसका रीज़न ये है कि सोनी का 64 मेगापिक्सल का सेंसर है, जो कि वर्जन 2 है, मतलब कि और अपग्रेड के साथ आ रहा होगा। लेकिन अगर बात करते हैं बाकी सारे सेंसर्स की, तो दोनों ही फ़ोन में इक्वली सेम होने वाला है। 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, ये लीक्ड है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हल्का सा इम्प्रूवमेंट का चांस है। ये पोको में 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, और आई जस्ट लव इट गाइज। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा मैक्रो फोटोग्राफी मिलता है, और बहुत ही मज़ा आता है दुनिया को क्लोजली देखने में। और Realme 7 Pro का सबसे ज़्यादा खास बात है
ये 65 वाट का सुपर डार्ट चार्जर, मतलब कि बवाली मचा दियो यार तुम लोग, तो ऐसे बोलने का मन कर रहा है बिहारी में। इसकी प्राइसिंग आपको 20-22 के राउंड रहेगी और ये दुनिया का नहीं इंडिया का सबसे फास्टेस्ट चार्जिंग फ़ोन है, और इस प्राइसिंग में ये चार्जर देना बहुत ही बवाल बात है। लेकिन क्या हम लोग को ज़रूरत है इसकी? मतलब 30 वाट में काम नहीं चल रहा था हम लोग का, और 30 वाट का चार्जिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करना अप टू द मैक्स है, और उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से वी डोंट नीड इट एक्चुअली गाइज। मतलब कि आपको 22,000 रुपये लगाना पड़ेगा, लेकिन आपको 22,000 में चार्जर के अलावा बहुत कुछ मिल रहा है। सबसे पहली बात, 60 हर्ट्ज़ का आपको डिस्प्ले पैनल मिलेगा, लेकिन 60 हर्ट्ज़ के साथ एमुलेट ओलेट डिस्प्ले है, और ये काफ़ी अच्छा डिस्प्ले होता है, और रियलमी का डिस्प्ले सच में बहुत ही प्यारा होता है। और इसका रीज़न ये है कि जो सैमसंग भैया है ना, सैमसंग भैया कहाँ गए, ये सैमसंग भैया बनाते हैं रियलमी का डिस्प्ले। और बाकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 6.67 इंच का फुल HD प्लस का पैनल मिलेगा, डिस्प्ले में आपको पंच होल डिस्प्ले है, और एमुलेट डिस्प्ले जो यूज़ करते हैं, मुझे मालूम है कि आप मेरी बात को ऐसे दिल से समझ रहे होगे। और यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सी ये हो गई है कि स्नैपड्रैगन 720G देखने को मिलेगा आपको, और टू बी फ्रैंक मैं इस प्रोसेसर का अच्छा खासा यूज़र हूँ, अच्छा खासा मैंने यूज़ किया है, पोको में यूज़ किया और बाकी सारे फ़ोन्स में यूज़ किया, और ये प्रोसेसर अच्छा है, लेकिन भाई 22,000 के प्राइसिंग में हम लोग को थोड़ा सा बेटर एक्सपेक्ट करना चाहिए था, और Realme शायद से इस बार ये कर नहीं पाया है, क्योंकि ये चार्जिंग टेक्नोलॉजी में और डिस्प्ले में रह गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, बैटरी बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करता है, और बैटरी के नाम पे याद आया 4500 mAh की बैटरी मिल जाएगी, मतलब कि Realme 7 से भी आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन 4500 mAh मोर देन एनफ है, और 65 वाट के चार्जर के साथ काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो एक काफ़ी अच्छा एक बैलेंस फ़ोन का पैकेज मिलेगा, लेकिन क्या ये ग्लास पैनल होने वाला है? मुझे ऐसा लग रहा है अगर ग्लास पैनल दे दिया Realme ने तो ये फ़ोन थोड़ा ज़्यादा सुपर वॉर्थ में कहूँगा, क्योंकि भाई अगर 22,000 रुपये कोई लगा रहा है तो थोड़ा बहुत 6-7,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा के उसके पास नॉर्ड है, उसके पास सैमसंग का M51 आने वाला है। Realme ने अपने सारे UI में पूरा ब्लॉटवेयर हटा दिया है, मतलब कोई टोपो लोको मोको गाना गा रहा था, टिकटॉक मिकटॉक कुछ नहीं मिलने वाला आपको, सिर्फ Realme का 3-4 एप्लीकेशन होंगे, Realme स्टोर, Realme लिंक एंड Realme का पैसा वैसा, ये सब एप्लीकेशन जो है जो कि बस वो सब चलेगा भाई, वो Realme का ब्लॉटवेयर नहीं, Realme का अपना ऐप है, उसको पैसे हटा भी सकते हो। और शायद से Realme 7 Pro में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, तो वो काफ़ी अच्छी बात है, और Realme 7 में आपको साइड माउंटेड है, दोनों ही अच्छा है, मतलब कि दोनों ही अपने अपने प्राइसिंग में बैलेंस्ड है। तो अभी अगर आप फ़ोन लेने का प्लान कर रहे हो तो Realme 7 के लिए आप रुक जाइए, मैं अपना वीडियो बनाऊंगा सारी की सारी, आपको देखने को मिलेगा, सारा कंपैरिजन करेंगे, सारा फ़ोन पड़ा है अपने पास, कलेक्शन बनाने के लिए हम लोग निकल चुके हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए, ऐसे मस्त इतना लंबा कर देंगे फ़ोन का जो ऐसे तल्ला है। बस इस वीडियो को लेते हैं, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, तो बस मिलते हैं आपसे किसी और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, और होपफुली आपको वीडियो पसंद आ गई होगी, और पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या सजेशन है आपको, क्या देखना पसंद करेंगे आप Realme 7 पे, बना देंगे आपके लिए कुछ भी। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, मिलते हैं।